नमस्ते, मैं भान प्रताप बमने, ग्रामीण फाउंडेशन ऑफ इंडिया में एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। चलो हम लोग वंदना मैडम से बात करते हैं। ये वंदना मैडम है, आप मैडम आपके बारे में बताएं। नमस्ते, मैं ग्रामीण फाउंडेशन से ग्रामीण मित्र हूँ, ग्रामीण फाउंडेशन ऑफ इंडिया से ग्रामीण मित्र हूँ। मेरा नाम वंदना टिटारे है, मैं तालुका कलमेश्वर आदर्श नगर ग्रामीण में रहवासी हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, मुझे 2 बच्चे हैं और हम हस्बैंड वाइफ पूरे परिवार के साथ मिलजुल के रहते हैं। मेरा पति सिविल काम पे जॉब करता है और मेरे बच्चों पढ़ाई करते हैं। अच्छा, आपको ग्रामीण मित्र बनने के पहले किन किन चुनौती का सामना करना पड़ा? ग्रामीण मित्र बनने से पहले सर मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, क्योंकि ये मेरा पेशा नहीं था। हाँ। तो मुझे बहुत मतलब कठिनाई हुई, लोग मेरे पे विश्वास नहीं करते गए। मैं उनके तक गई तो वो अविश्वास करे कि ये लेडी कैसा ऐसा बैंकिंग का काम कर सकती है, मुझे इग्नोर करते थे। लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाती गई कि मैं ये काम करती हूँ, मुझे ये अथॉरिटी दी गई है और ऐसे करते करते मैं अपना काम करती गई। ग्रामीण मित्र बनने से पहले आपका क्या पेशा था, आप क्या करती थी? जी सर, ग्रामीण मित्र बनने से पहले मैं कपड़े का जॉब करती थी, मतलब कपड़े घूम घूम के बेचती थी। उसके बाद मैंने पेट्रोल पंप पे 1 साल तक जॉब किया। अच्छा, तो आपको ग्रामीण मित्र का क्या प्रशिक्षण दिया गया? मुझे हमारे ग्रामीण फाउंडेशन के सर लोग आते थे, वो मुझे प्रशिक्षण देते थे और उसी प्रशिक्षण से मैं सुनी उनका और अपने दिमाग में रखे पॉइंट को, उसके कैसा बोलना है, कैसा मतलब कैसे उससे बात करना है, और वही उसी के बेस पर मैं अपना काम करती गई और मुझे अपने हाथ से लिए एक मतलब पहचान अपनी बनाई बनी। अच्छा, आपके काम का कोई एक विशिष्ट दिन आपने चुना है ऐसा? जी सर, हमारे यहाँ बुधवार को मार्केट डे होता है। उस दिन क्या है, रोजगारी से लोग काम पे जाते हैं, उस दिन उनका रेस्ट होता है, मतलब आराम का दिन होता है। उस दिन उनका मार्केट वर्केट रहता है तो उनका पेमेंट जो होता है वो वीकली होता है। तो इस कारण से क्या होता है, वो लोग मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं बैंकिंग का काम करती हूँ, तो उनको लगता है कि ये विड्रॉल होकर हमको पैसा देंगी। अगर वो बैंक जाएंगे तो उनके पास इतना समय नहीं रहता कि वो बैंक जाके विड्रॉल करके लाए, और यहाँ से बैंक भी दूर है, तो मैं उनकी उस दिन मदद करती हूँ। इसी दिन के लिए, इसी कारण से मैंने इस दिन को चुनी हूँ। अच्छा, आप आपके काम के बारे में कैसा सोचती है? मैं जो काम करती हूँ उससे लोगों की मतलब मदद हो और लोगों को सुविधाएं होती हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मैं लोगों की मदद करती हूँ तो, और हाँ, और मुझे प्राउड फील होता है। आपके ग्राहक की कोई एक सफलता स्टोरी जिसके आपने मदद करी हो? जी सर, मेरे साथ ऐसा हुआ है, कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग, बहुत बड़ा बुजुर्ग, बहुत मतलब बुजुर्ग आदमी था और उसको वो पैरालिस भी था, वो चल नहीं सकता था और उसकी स्थिति मतलब वो बहुत गरीब थे और उन लोगों की स्थिति नहीं थी कि वो 2-व्हीलर से या कोई 4-व्हीलर से उनको बैंक तक लेके जाए। तो उनको मालूम हुआ कि अपने एरिया में ग्रामीण मित्र हैं, तो उनके घर के लोग मेरे पास आए तो कि आप विड्रॉल करके दो, तो मैंने बोला ठीक है हम आते हैं। और मैं उनके यहाँ गई और वो बुजुर्ग आदमी का मैंने प्रिंट लेके विड्रॉल करके दिया और उनको पैसे दिए, तो क्या वही पैसे उनके इलाज पानी में लगाए और उनको बहुत खुशी हुई कि हमको कहीं जाना भी नहीं पड़ा और हमको विड्रॉल करके घर में मिला। तो ये मेरे जीवन में एक घटना बहुत अच्छी घटी, तो मुझे अच्छे से याद है। इससे आपके काम से आपको कैसा महसूस होता है और आपके समुदाय के और आपके जिले को क्या मदद मिलती है आपके काम से? मेरे समुदाय के लोगों को, उनको जैसे कैसे बैंक दूर है और उनको असुविधाएं होती है कि इतने दूर जाके लाइन में लगो और अपना पैसा विड्रॉल करो, तो क्या है मैं उनके घर जाके या वो मेरे पास आके अपना काम करवाते हैं, विड्रॉल करवाते हैं या बैलेंस चेक करवाते हैं, जो भी काम है वो मतलब मैं उनका करवाती हूँ और मैं उनको सुविधा देती हूँ, सेवाएं करती हूँ, तो उनको सुविधा होती है। अच्छा, तो आपके समुदाय पूरा मजदूर वर्ग है? हाँ, मेरा समुदाय पूरा मजदूर वर्ग है, इसी कारण से उनको मतलब उनको टाइम नहीं मिलता है कि वो घर में रहे और अपना, अगर एक दिन वो घर में रहेंगे तो उनका क्या है मतलब नुकसान हो जाएगा, उनका एक दिन का रोजी चली जाएगी। इसी कारण से वो सोचते हैं कि अपना रोज भी ना गिरे और अपने पास जो ग्रामीण अपने घर अपने एरिया
एरिया में जो ग्रामीण मित्र है उनसे अपन ये काम करवाए। अच्छा अच्छा, आपका काफी मुझे काफी सपोर्ट मिलता है उनका। आपका क्या लक्ष्य है, आपका भविष्य आप लोग कैसा सोचते हैं? हाँ जी सर, मेरा यही लक्ष्य है कि मैं तो ज्यादा लिखे पढ़े नहीं हूँ और मेरा पति भी ज्यादा लिखा पढ़ा नहीं है, तो मैं यही चाहती हूँ कि मुझे दो बच्चे, मेरे दो बच्चे पढ़ लिख के अच्छे आदमी बने, अच्छे लेवल पे जाएं और वो अपना नाम रोशन करें और मतलब कि वो अच्छे एक स्तर पे जाए। एक तो मेरा ये लक्ष्य और दूसरा मेरा लक्ष्य ये है कि मैं आबादी पे कच्चा मकान बना के रहती हूँ, तो कि मेरा एक खुद का एक घर हो, बस मुझे मेरा दो एक लक्ष्य है। आपको क्या लगता है कि ग्रामीण मित्र का एक क्या महत्वपूर्ण काम है जिससे आप लोग महत्व जाने आपके ग्रामीण मित्र? देखो सर, मुझे वो मतलब मेरे मन में कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि मैं अच्छा काम करूं, एक ऑफिशियल करूं, लेकिन मेरे पास ना कोई डिग्री थी ना कुछ था कि मैं ऐसे लेवल पे काम कर सकूं। लेकिन जब मुझे ऐसा ऑफर आया कि मुझे ग्रामीण मित्र बनना पड़ा, तो मैं यही चाहती थी कि मेरी इमेज बने, लोगों की नज़र में मेरा नाम हो, मैं अपनी पहचान बना सकती हूँ कि लोग मुझे बोले कि ये बहुत अच्छा काम करते, बहुत अच्छे ग्रामीण मित्र हैं। तो इसी कारण से लोगों को मैंने यकीन दिलाया, विश्वास दिलाया उनके बीच में जाके उनको, मतलब मैंने आज एक मैं सक्सेसफुल ग्रामीण मित्र हूँ और लोग मुझे एक अच्छा सफलतापूर्वक ग्रामीण मित्र मानते हैं।